तो आ गए आप लोग। आज मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों चैट जीपीटी 4 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था चैट जीपीटी 3 के बारे में, तो वो वीडियो काफी आप लोगों को पसंद आया। मैंने आपको बोला था कि अगर आपने इसमें 100 लाइक्स करवा दिए तो मैं अगली वीडियो फिर से लाऊंगा चैट जीपीटी के बारे में। तो आप लोगों ने उस पर काफी अच्छा प्यार दिखाया और उस पर जल्द से जल्द 100 प्लस लाइक्स करवा दिए, तो इसीलिए मैं आज लेकर के आया हूँ चैट जीपीटी 4 का कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी 4 को कैसे यूज करना है, उसको कैसे साइन अप करना है, लॉग इन करना है। साथ साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी 4 को कम्प्लीटली फ्री कैसे यूज करना है। हालांकि चैट जीपीटी 4 का पेड वर्जन ही अभी आया है, लेकिन उसको फ्री में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा टिग्रम लगा करके। फिर साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी 3 ज्यादा अच्छा है या चैट जीपीटी 4 अच्छा है। ऐसे तो चैट जीपीटी 4 नया वर्जन है, तो चैट जीपीटी 4 ज्यादा अच्छा होगा। चैट जीपीटी 3 में क्या ऐसा नहीं है जो चैट जीपीटी 4 में है, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। चैट जीपीटी 4 में दोस्तों काफी अच्छे अच्छे फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी 4 को बिल्कुल फ्री में यूज करना है तो आपके जो है लैपटॉप में या सिस्टम में ये माइक्रोसॉफ्ट एज ऐप को इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जो है इसी के माध्यम से चैट जीपीटी 4 को है जो फ्री में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट एज ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आएगा। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आस्क मी एनीथिंग जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पे वो URL में वहाँ पर लिख देना है क्या www.bing.com/new। उसके बाद कर देना है सर्च। अब देखिए दोस्तों अब क्या शो करेगा। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे समझिए ध्यान से। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस आया है चैट नाउ करके, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ऐप को पहले से ही लॉगिन करके रखा है। जब भी अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करोगे आपको ये लॉगिन करने के लिए या फिर साइन अप करने के लिए ऑप्शन देगा। अगर लॉगिन करने के लिए बोलता है तो सिंपली आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो आपका जीमेल का है वो एंटर करके इसको लॉगिन कर लेना है। अगर साइन अप करने का ऑप्शन देता है तो साइन अप करने अपना जीमेल आईडी डालिए, उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, सिंपली जो इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको लॉगिन करने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था चैट जीपीटी 3 के बारे में, पे जाइए उस पे आप उसको देखिए, उसमें पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया है कैसे लॉगिन करते हैं। क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है तो डायरेक्ट इसलिए ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा नाम भी शो कर रहा है दोस्तों साहिल। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे करते हैं चैट नाउ पे क्लिक। चैट नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको। चैट नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप बिंग ऐप पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए चैट स्टार्ट हो गया है, वेलकम टू द न्यू बिंग। तो अब यहाँ पर देखिए तीन टाइप का ऑप्शन दे रहा है, एक बोल रहा है क्रिएटिव, एक बोल रहा है बैलेंस्ड, एक बोल रहा है प्रेसाइज। आपको चले जाना है क्रिएटिव वाले ऑप्शन। क्रिएटिव वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों आप इसका जो है फुल फीचर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे सर्च, क्योंकि मैं दोस्तों पटना से हूँ इसीलिए मैं देखता हूँ इसमें पटना जो है फ्यूचर में AI के हिसाब से कैसा दिखना चाहिए। तो इसमें टाइप करते हैं क्रिएट द फ्यूचर इमेज ऑफ पटना। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख रहा है आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। देखिए ये इमेज को प्रोसेस कर रहा है दोस्तों इस तरीके से। यहाँ पे जो इमेज है इस पर मत जाइए, ये न्यू इमेज बनाया गया आपको दिखाएगा। अभी देखिए ये कम्प्लीटली प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस होने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है। और फिर उसके बाद देखिए दोस्तों इसने क्या बनाया है, पटना का इमेज बिल्कुल एकदम मॉडर्न करके रख दिया है इसको। मतलब इतना तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, ये तो मतलब साईफाई मूवी जैसा लग रहा है दोस्तों। जैसे हम लोग एलियंस वाला मूवी देखते हैं ना, उस तरीके से लग रहा है, अदर प्लैनेट जैसा लग रहा है ये। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है एड अ रिवर टू द इमेज, मेक इट लुक लाइक नाइट टाइम, कैन यू ऐड सम पीपल। इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस भी दे रहा है कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं इस ऑप्शंस में जा करके। तो मैं इसमें कैन यू ऐड सम पीपल को करके देखता हूँ पीपल ऐड करने के बाद कैसा लगता है ये फोटो। अभी देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 of 30। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इसमें जो है वन टाइम में 30 बार चैट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे न्यू टॉपिक पे जाने पड़ेगा। एक टॉपिक में आप 30 टाइम ही कमांड दे सकते हो और चैट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको न्यू टॉपिक पे जाना पड़ेगा और फिर से आपको 30 टाइम कमांड यानी चैट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों पीपल्स को ऐड करने के बाद ये किस तरीके से लग रहा है फोटो। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जाते हैं कैन यू ऐड सम एनिमल्स। अब देखते हैं क्या करता है ये। ये देखिए दोस्तों अभी 3 of 30 हो गया यहाँ पे। देखिए दोस्तों एनिमल्स को ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से फ़ोटो लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो है इस फोटो में देखिए, इस फर्स्ट वाले फ़ोटो में देखिए, इसको मैं क्लिक करके बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसमें जो है देखिए एनिमल को हवा में उड़ा दिया इसने। मतलब AI अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि पूरा एक्यूरेट बना सके फ़ोटो को, इसने इसलिए एनिमल को जो हवा में ही उड़ा दिया है। लेकिन दोस्तों ये जोक है, आगे चल के AI बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। अब इसको कमांड देता है ऐड द सन इन दिस इमेज। अभी देखिए दोस्तों इसमें ये
सन को ऐड करने के बाद कैसा दिखाता है हमें। देखिए दोस्तों, इमेज में सन को ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है हमें, अच्छा ही लग रहा है। और ये देखिए, इस फोटो को देखिए दोस्तों, ये फोटो देखिए, ये थोड़ा रियलिस्टिक फोटो लग, इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सन का लाइट कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कमांड दे कि सन का लाइट हटाने के बाद कैसा लगता है ये इमेज। इसको कमांड देते हैं दोस्तों, रिमूव द सन लाइट्स। अब देखते हैं ये इमेज के साथ क्या छेड़छाड़ करता है। अभी देखिए दोस्तों, ये प्रोसेसिंग कर रहा है और यहाँ देखिए 5/30 हो गया है क्रेडिट चैट लिमिट कह सकते हैं इसको। अभी देखिए दोस्तों, इमेज में से सन लाइट्स को रिमूव करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अभी सही लग, इसका जो है शैडो भी दिख रहा है दोस्तों अब। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, इसको टैप करना है और इस तरीके से यहाँ पे जो है डाउनलोड हो जाएगा ये आपका इमेज। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप इसको ओपन करिएगा। अगर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये इमेज जो है पहले से ही कहीं पे मतलब एग्जिट कर रही होगी, मतलब गूगल पे, या फिर ये कॉपीराइटेड इमेज होगी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं गूगल पे जाता हूँ, ठीक है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे गूगल फोटो सर्च करता हूँ। गूगल पे फोटो सर्च करना है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देता है फोटो सर्च करने का। तो फोटो से मैं सर्च करके देखता हूँ कि क्या वो इमेज जो है एग्जिट कर रही है अभी कि नहीं कर रही है गूगल पे। तो सर्च करने के लिए बहुत इजी है दोस्तों, अपने फोटो इमेज को इस तरीके से यहाँ पर ले आना है और इसको यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये सर्च होगा। अभी देखिए दोस्तों, इस इमेज को सर्च करने के बाद इसने ऐसा रिजल्ट दिया है। ये जितने भी इमेजेस है दोस्तों, आप सबको देख सकते हैं, ये सेम इमेजेस नहीं है, हाँ सिमिलर है, इसके जैसे हैं, लेकिन सेम इमेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मतलब ये जो AI है, ये बिल्कुल यूनिक और अलग इमेज बना कर देता है, जो कि नॉन कॉपीराइटेड इमेज रहता है। ये बिल्कुल फ्रेश इमेज रहता है, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो और इसको आप अपना इमेज भी कह सकते हो। मतलब ये कॉपीराइटेड इमेज नहीं हुआ, आप इसको यूट्यूब पर ईजिली यूज कर सकते हो। अभी देखिए दोस्तों, इस पर दूसरा कमांड देकर देखते हैं, हु आर यू, इससे पूछते हैं आप कौन। देखते हैं ये क्या बताता है, आई एम बींग अ चैट बोर्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको चैट GPT 4 का ट्यूटोरियल देने वाला था और मैं कहाँ बींग ऐप पे आपको लेकर के। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ChatGPT 4 जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, हम उसको बींग ऐप के थ्रू भले ही यूज कर सकते हैं फ्री में। देखिए दोस्तों, इससे हम लोग पूछते हैं कि हाउ टू यूज ChatGPT 4 फ्री। अभी देखिए दोस्तों, ये क्या जवाब देता है हमें, फिर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये उसके साथ है या नहीं है। देखिए दोस्तों, ये क्या बता रहा है, ChatGPT इज ऐप दैट लेट्स चैट विथ ओपन AI GPT-4, द मोस्ट एडवांस्ड लैंग्वेज मॉडल इन द वर्ल्ड, यू कैन यूज ChatGPT 4। देखिए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि ChatGPT 4 को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप जो इसके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यूज कर पाओगे इसको उतने अच्छे तरीके से पाओगे। तो देखिए दोस्तों, ये खुद क्लियर बोल रहा है, यूज ChatGPT 4 फॉर फ्री ऑन बींग। देखिए ये बोल रहा है ना, ChatGPT 4 को आप बींग पे फ्री में यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि बींग के थ्रू हम लोग ChatGPT 4 को जो है एक्सेस कर सकते हैं। और भी कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये सारा ऑप्शन दे। अब चलिए दोस्तों, अब इससे कोई और टास्क देते हैं, अब इससे जो है हमारे श्री राम का फोटो बनवाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट द इमेज ऑफ लॉर्ड श्री राम। अब देखते हैं दोस्तों, ये लॉर्ड श्री राम का इमेज कैसा बना कर देता है हमें, भगवान श्री राम का इमेज कैसा बना कर। तो देखिए दोस्तों, इसने काफ़ी अच्छा इमेज बना करके दिया है। मतलब AI हो करके भी भगवान का इमेज भगवान के जैसा ही इसने बनाया है, आदि पुरुष जैसा नहीं कि मतलब भगवान को कुछ और ही बना। चलिए ये जोक की बात। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा Asus का TUF-F15 लैपटॉप का जो पूरा स्क्रिप्ट था, वो मैंने पूरा स्क्रिप्ट इसी ChatGPT 4 से बनवाया था और इसी बींग ऐप के थ्रू। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है, आप चाहे तो ये मेरा Asus TUF-F15 का
पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा का पूरा स्क्रिप्टिंग इसी से करवाया है। साथ में टैग्स भी मैंने चैट जीपीटी 4 के मदद से ही बनवाया है। देखिए दोस्तों, सिंपल है, हम लोगों को एआई के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर ही अब एआई का है। हम लोगों को एआई को सीखना पड़ेगा, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको बताता भी जाऊँगा। अभी हम लोग को एआई के साथ ही दोस्तों आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि जमाना ही एआई का आने वाला है। अगर हम लोगों ने एआई को नहीं सीखा तो फिर एआई हम लोगों को सीख लेगा और वो हमें यूज करने लगेगा। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब अगर हम लोगों ने उसे यूज करना नहीं सीखा तो वो हमें यूज करना स्टार्ट कर देगा। और मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स डालता रहूँगा एआई के बारे में, एआई से जुड़े सारे बातों के बारे में। तो आप चैनल के साथ बने हुए रहिएगा, वीडियो कम्प्लीटली देखा कीजिएगा, रेगुलर वीडियो आता रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और वीडियो भी बनाता हूँ, इसीलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मैं रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।